वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी 11th के स्टूडेंट को जिस लेसन को पढ़ा रहे थे उसका नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने जस्ट पिछले वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उस टॉपिक का नाम था मूल कॉन्सेप्ट, या जिसको हम बोले मूल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता, मूल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका जिन भी बच्चों ने पिछला वीडियो ना देखा हो वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आइए तो हम बात करते हैं कि मूल कॉन्सेप्ट से अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। देखो, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मूल क्या होता है, एक मूल में इकाइयों की संख्या कितनी होती है। उसका आंसर भी मैं बोलता हूँ कि एक मूल में इकाइयों की संख्या 6.022 × 10²³ होती है, जिसको हम बोलते हैं अवोगाड्रो संख्या। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक मूल के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इनको लिख लीजिएगा, आप समझिए ये चार पांच नोट हैं। एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10²³ इकाइयाँ। इकाइयाँ को मतलब हम आपको ढेर सारा सिखा चुके थे। जिन भी बच्चों ने पिछले दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे वो इकाइयों का मतलब जानने लगे होंगे। यहाँ पर दूसरी चीज़ याद रखिए, एक मोल बराबर किसी तत्व का परमाणु ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु भार एक मोल बराबर है। इसको मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल का मतलब है जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका परमाणु भार कितना है 24। तो अगर हम बोलें कि 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तीन बराबर के निशान नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। चाहे तो बोलो आप 24 ग्राम मैग्नीशियम, या इसकी जगह लिख सकते हैं हम 1 मोल मैग्नीशियम। क्लियर है? देखो, हम एक दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे हमने बोला एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक है 13, इसकी द्रव्यमान संख्या है 27। तो अगर हम बोलें 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब है परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को यदि हम ग्राम में लिख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और वही ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो एक मोल के इक्विवेलेंट होता है। इसको हम लिख सकते हैं एक मोल एल्यूमिनियम, एक ही चीज़ हुई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, अगर किसी को अभी नहीं आई हो तो आप देखिए, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु भार कितना है 23 है। इस 23 को जब ग्राम में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, 23 ग्राम सोडियम इक्विवेलेंट होगा 1 मोल सोडियम। तो चाहे तो आप बोलोगे 23 ग्राम सोडियम, या फिर इसकी जगह क्या बोल सकते हो आप, 1 मोल सोडियम, एक ही चीज़ है। मतलब जो एक मोल है वह बताता है किसी तत्व का ग्राम परमाणु भार, अगर वो तत्व है तो वो बताता है उसका ग्राम परमाणु भार। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट तो हम डिटेल से पिछले वीडियो में बता चुके थे, ये दूसरा पॉइंट आपने यहाँ देख लिया। अब इसी तरीके का एक तीसरा पॉइंट और है, उसको आप याद रखिए, एक मोल अणु। देखो, अभी हम एक मोल की बात कर रहे हैं परमाणु के रिस्पेक्ट में। ये सब परमाणु थे, मैग्नीशियम परमाणु था, एल्यूमिनियम परमाणु था, सोडियम परमाणु था, किसी तत्व का परमाणु था, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक मोल बराबर होगा किसी अणु का ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार। ये एक तीसरा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप देखिए। देखो, हमने एक अणु लिया, उस अणु का नाम हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए,
थोड़ी देर के लिए हमने एक अणु का नाम ले लिया, मान लो CO2। CO2 हमारे पास एक अणु है। हमने आपसे बोला CO2 किससे मिलके बना है, तो आपने कह दिया C है, दो ऑक्सीजन है, C का परमाणु क्रमांक कितना है 6, इसका परमाणु भार कितना है 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो हमने बोला चलो बताओ CO2 का अणु भार कितना है, अणु भार कितना है, तो आपने कह दिया 6 कार्बन का, ऑक्सीजन का 8, चूँकि ऑक्सीजन 2 है तो 8 गुणा 2 16 और 6 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो हमने देखा कि CO2 का अणु भार कितना है 22। अब इस 22 को हम ग्राम में लिख रहे हैं, मतलब हम क्या लिख रहे हैं 22 ग्राम CO2 बराबर या इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 मोल CO2। एक ही चीज़ है, चाहे तो हम बोलें 1 मोल CO2 या उसकी जगह हम क्या बोल दें 22 मोल, सॉरी मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे परमाणु अणुभार लिखना था, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका अणुभार कितना हो जाएगा, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 44 आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 44 ग्राम CO2। 44 ग्राम CO2 बराबर क्या हो जाएगा 1 मोल। हमें परमाणु भार से मतलब है, परमाणु क्रमांक से मतलब नहीं है। चलो एक क्वेश्चन को मैं और ले लेता हूँ, जैसे हमने बोला Na2CO3। देखो Na2CO3 किससे मिलके बना है, दो सोडियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार 12, 8 और यहाँ 16। अब आप बताओ हम बोलें कि Na2CO3 का अणु भार कितना है, तो आप अणु भार को कैसे लिखोगे, आप बोलोगे 2 गुणा सोडियम का परमाणु भार कितना है 23, 1 गुणा कार्बन का परमाणु भार कितना है 12 और 3 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 46 आएगा प्लस 12 आएगा प्लस 48 आ जाएगा, इसको जब आप जोड़िएगा तो 106 आएगा। तो मतलब Na2CO3 का अणु भार कितना आया 106। तो हम इसको क्या लिखें 106 ग्राम Na2CO3, मतलब अणु भार को हमने ग्राम में लिख दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्राम अणु भार। तो 106 ग्राम Na2CO3 इक्विवेलेंट है 1 मोल Na2CO3 के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। हमारे पास है थोड़ी देर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपको बताना है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बराबर खाली स्थान ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब आपको कैल्शियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा वह बतानी है जो 1 मोल के बराबर हो। जैसे 1 मोल Na2CO3 बराबर कितना था 106 ग्राम Na2CO3, उसी तरह से आपको बताना है कि 1 मोल CaCO3 बराबर कितने ग्राम CaCO3 के होगा, ये आंसर आपको देना है। CaCO3 लिखा हुआ है, कर लोगे ना ऐसे। तो इस तरीके से आपने पहला पॉइंट क्या सीखा कि 1 मोल बराबर 6.022 × 10²³ इकाइयाँ। दूसरा पॉइंट क्या सीखा, अगर हम किसी तत्व के परमाणु की बात करें तो 1 मोल बराबर किसी तत्व का ग्राम परमाणु भार, और अगर हम अणु की बात करें तो 1 मोल बराबर किसी अणु का ग्राम अणु भार, और अगर कोई गैस है तो यहाँ पर एक पॉइंट और सीखने का है, उसको मैं और लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, मैं इस जगह पर लिख दे रहा हूँ। तीसरे पॉइंट के बाद अब हमारा चौथा पॉइंट है कि अगर 1 मोल गैस है उसका अगर हम NTP या STP पर आयतन ज्ञात करें, तो याद रखिएगा 1 मोल गैस का NTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर, या जिसको हम बोलते हैं 22,400 मिलीलीटर। ये भी एक फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कुल मिलाकर 4 फैक्ट सीखे, 1 मोल बराबर 6.022 × 10²³ इकाइयाँ, 1 मोल बराबर किसी तत्व का ग्राम परमाणु भार, और तीसरा फैक्ट सीखा 1 मोल बराबर NTP पर
गैस का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर और एक मोल बराबर किसी पदार्थ का ग्राम अणुभार। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताई है। तो ये चार चीज़ें आप लोगों ने फाइनली सीख ली। अब हम इन्हीं चार चीज़ों पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन फैक्ट्स को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन किस तरह से हम लोग करेंगे। देखो, हम क्वेश्चन को करते हैं, देखो मैं पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि 44 ग्राम CO2 गैस का NTP पर आयतन खाली स्थान होगा, खाली स्थान लीटर होगा, आप ऐसा लीटर में ले लीजिए, लीटर होगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। मतलब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर आयतन कितना होगा। देखो, इन क्वेश्चनों को करने का एक सेफ ट्रेंड है, पहले ट्रेंड को आप समझ लो फिर आप करिएगा। देखो, सबसे पहले हम एक सूत्र जो हमने बताया नहीं है, पहले हम उस सूत्र को लिखते हैं। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। ये एक सूत्र है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। बिल्कुल, इस सूत्र को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हमसे दिया है 44 ग्राम CO2 गैस का आयतन। आपने तो केवल इतना सा सीखा हुआ है कि यदि हमारे पास एक मोल गैस है, एक मोल गैस, गैस कोई भी हो सकती है, एक मोल गैस का NTP पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। ये आपने सीखा हुआ है। मतलब अगर एक मोल गैस का आयतन है 22.4, मगर अगर हमारे पास होती 2 मोल गैस तो आयतन दुगना हो जाता। हम कहते हैं हमारे पास होती 5 मोल गैस तो आयतन 22.4 में हम 5 से गुणा कर देते। मतलब अगर हमें मोल की संख्या पता हो तो हम आयतन निकाल सकते हैं। अब मोल की संख्या कैसे पता हो, उसके लिए हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन में क्या है, आपके सवाल में दिया है 44 ग्राम CO2, तो हम अपने सॉल्यूशन को यहां कर रहे हैं। देखो, CO2 ये हमारे पदार्थ का नाम है, CO2 की ग्राम में मात्रा, CO2 की ग्राम में मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे 44 ग्राम, ये तो सवाल में दिया हुआ है 44 ग्राम। अब उसके बाद CO2 का अणुभार, अब CO2 का अणुभार ये आपको निकालना पड़ेगा। CO2 का अणुभार मतलब C का परमाणु भार कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो 16 में किससे गुणा होगा 2 से, और 12 में किससे गुणा होगा 1 से, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 × 12 + 2 × 16, इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 44। तो CO2 का अणुभार कितना आया 44, CO2 की ग्राम में मात्रा कितनी आई 44, तो आप लिखोगे CO2 के मोलों की संख्या बताओ, सूत्र लगाओ, पदार्थ की ग्राम में मात्रा मतलब 44 अपॉन पदार्थ का अणुभार मतलब 44, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 मोल। तो हम क्या लिखें, हम इसको लिख सकते हैं 44 ग्राम CO2 इक्विवेलेंट है 1 मोल CO2 के। चाहे तो आप बोलो 44 ग्राम CO2 या उसी को बोल दो 1 मोल CO2, तो लिखोगे अतः आयतन NTP पर होगा कितना होगा आयतन 22.4 लीटर। भाई एक मोल CO2 निकली थी, तो एक मोल CO2 का आयतन NTP पर कितना होगा 22.4, तो हमारा ये क्वेश्चन 22 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर हो जाएगा। कर लोगे? कुछ बच्चे कह रहे हो सर समझ में तो आ गया, बट थोड़ा सा डाउट रह गया। सर आ तो गया मगर हम
कैसे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप उस क्वेश्चन को करिए करिए। देखो फिर बोल रहे हैं केवल कहानी नहीं सुननी है, करना है। देखो हमारा क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 170 ग्राम अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन खाली स्थान लीटर होगा, करके देखो। अब हमने कौन सी गैस ले ली है, अमोनिया गैस ले ली है। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, हमारे पास है अमोनिया गैस और हमसे पूछा है एनटीपी पर आयतन कितना होगा। बहुत सिंपल है, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, अमोनिया गैस की ग्राम में मात्रा, आप बताओ कितनी दी हुई है ग्राम में मात्रा, आप बोलोगे 170 ग्राम। बढ़िया है, अमोनिया गैस का अणु भार, आप बताओ अणु भार कैसे निकालोगे, आप बोलोगे एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, N का कितना होता है 14 और H का कितना होता है 1, तो अणु भार कितना निकलेगा 1 × 14 + 3 × 1, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 17। तो अब आप क्या लिखोगे, अमोनिया के मोलों की संख्या, अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे ग्राम में मात्रा बटे उसका अणु भार, सॉल्व करोगे 10 टाइम कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब 170 ग्राम अमोनिया बोलो, या उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट टू 10 मोल अमोनिया, एक ही चीज़ है, चाहे 170 ग्राम बोलो चाहे उसको बोलो 10 मोल। उसके बाद हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज चूंकि 1 मोल अमोनिया गैस, 1 मोल अमोनिया गैस का एनटीपी पर आयतन होता है बराबर 22.4 लीटर, इसलिए 10 मोल अमोनिया गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 × 10, सॉल्व करेंगे तो 224 लीटर आएगा, तो हमें यहाँ क्या कितना भरना पड़ेगा 224 लीटर। कर लोगे ना, मतलब हमको जो ग्राम में दिया है उसको हम बदलेंगे मोल में और फिर जो हमें बताया गया है उसके बिहाफ से हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। कर लोगे, देखो कर तभी पाओगे जब आप करने की इच्छा शक्ति रखोगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन है वही आते हैं वही पूछे जाएंगे, आपको हम कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा पूरा कट जाए, 10 मोल आ जाए 2 मोल आ जाए, ऐसा नहीं है, हो सकता है 0.5 में आ जाए, मान लो यहाँ आता 2.3 मोल तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल का आयतन था इतना, तो 2.3 मोल का कितना हो जाता, तो 22.4 में हम कितने से गुणा कर देते, 2.3 से। समझ में आ रहा ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, 6.4 ग्राम SO2 गैस का NTP पर आयतन कितने लीटर होगा, कितने लीटर होगा, करके देखो। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से करना है, बस करने के लिए आप जल्दबाजी मत करिए, बस ध्यान से आप करिएगा। देखो जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसको आप बहुत पेशेंस के साथ रखिए, सॉल्व करते जाइए और आप कर ले जाओगे। देखो आपको दिया गया है SO2 की ग्राम में मात्रा, ये दी हुई है, कितनी दी हुई है चेक कर लो, 6.4 ग्राम दी हुई है। SO2 का अणु भार ये आप निकालोगे, एक S है और 2 ऑक्सीजन है, S का होता है 32 और O का होता है 16, इसको आप जोड़ोगे 32, 2 × 16, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 64 आएगा, तो हम लिखेंगे SO2 के मोलों की संख्या, बताओ मोलों की संख्या का सूत्र कौन सा इस्तेमाल करना है, पदार्थ का ग्राम में भार 6.4 बटे पदार्थ का अणु भार 64, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 मोल आएगा, कितना आएगा 0.1 मोल, मतलब
हम 6.4 ग्राम SO2 को क्या बोल सकते हैं, 0.1 मोल SO2 ये बोल सकते हैं। अब अगर हम ये ऐसा बोलेंगे तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, चूंकि एक मोल SO2 गैस का NTP पर आयतन होता है बराबर 22.4 लीटर, इसलिए 0.1 मोल SO2 का आयतन होगा बराबर 0.1 इंटू 22.4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.24 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब 6.4 ग्राम SO2 गैस का NTP पर आयतन होगा 2.24 लीटर। कर लोगे ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप करिएगा। देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6 लीटर CH4 बराबर खाली स्थान मोल CH4, मतलब आपको रिवर्स करना है क्वेश्चन। 5.6 लीटर मीथेन में कितने मोल मौजूद हैं, बहुत ध्यान से करिए। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके बाद आपको दे दूंगा, ध्यान से स्किप नहीं करना है, चीज़ों को भूलना नहीं है, ध्यान से करिएगा। 5.6 लीटर बराबर कितने मोल, बोला गया ना, NTP पर है, ये चीज़ दी लिखी नहीं है मगर NTP पर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 22.4 लीटर CH4 बराबर होता है एक मोल CH4 के, ठीक है। तो एक लीटर बराबर हो जाएगा 1/22.4 मोल के, और एक लीटर तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है 5.6 लीटर CH4 बराबर कितना हो जाएगा 1/22.4 × 5.6 मोल CH4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, चेक कर लेना, 4 बार कटेगा। तो 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 मोल CH4, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5.6 लीटर CH4 बराबर 0.25 मोल ऑफ CH4। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्ठाईस सौ मिलीलीटर अमोनिया बराबर खाली स्थान मोल अमोनिया, मिलीलीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब 22,400 मिलीलीटर बराबर होता है एक मोल, तो 2800 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा, उतना मोल। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 4.8 ग्राम मीथेन बराबर खाली स्थान लीटर मीथेन NTP पर। ये सभी चीज़ें किस पर हैं, NTP पर हैं। 4.8 ग्राम मीथेन को आपको लीटर में बदलना है, तो 4.8 ग्राम से पहले मोल में बदलिएगा, फिर एक मोल का आयतन होता है 22.4, तो उससे आप लीटर में आंसर निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करना सीख रहे हैं, इतना कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अब हम अगले वीडियो में ले लेते हैं, जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो ध्यान से, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, 2 वीडियो के बाद एक वीडियो और हम ले रहे हैं, उसके बाद आप मोल के क्वेश्चन आराम से करने लगोगे कि कैसे हम मोल को लीटर में, ग्राम में, अणु में, परमाणु में, इनमें कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑन द फिंगर टिप करने लगोगे, बट ज़रूरत केवल इसी चीज़ की है कि आप रेगुलरिटी रखिए, स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिए, समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन मैंने करा दिया उन्हीं की प्रैक्टिस आप करिए तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।